हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के उसमें हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो लास्ट पाथवे है उसके एक्टिवेशन का, दैट इज़ लेक्टिन पाथवे। जनरली इस पाथवे के लिए हमारे पास दो फीचर्स होने चाहिए। एक तो हमारे पास प्रेजेंस होनी चाहिए MBL रिसेप्टर्स की, जिसको हम बोलते हैं मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। लेक्टिन आपकी एक प्रोटीन होती है, और साथ में ये जनरली जो ये पाथवे है तब एक्टिवेट होता है जब कोई ऐसा बैक्टीरिया आता है जिसमें मैनोज के ग्लाइकोप्रोटीन लिंकेज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो। मैनोज शुगर उसमें प्रेजेंट होनी मस्ट होती है। तो जनरली आइदर दिस MBL रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय द मैनोज शुगर और थ्रू इन्फ्लामेशन, या तो इन्फ्लामेशन आपके बॉडी में जनरेट हो देन इसको तब ये सिग्नल मिलता है। MBL जैसे ही आपका सिग्नल कैच कर लेता है, यानी कि ये मैनोज शुगर के साथ बाइंड हो जाएगा, देन इसके दो यूनिट होती हैं। वन इज़ कॉल्ड MASP1 यूनिट एंड अदर इज़ MASP2 यूनिट। ये दोनों के दोनों यूनिट जो होती हैं ये इसके एक्टिवेशन के बाद आके MBL से आके बाइंड हो जाती है। और इसमें जो वन वाली यूनिट होती है ये जस्ट आपका जो C1R कंपोनेंट होता है उसकी तरह, C1R अगर हम बात करें तो क्लासिकल पाथवे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि C1R जो है वो आप लोग का एक सब यूनिट होती है C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की, और सेम फॉर द S। जहाँ पे मैंने क्लासिकल पाथवे मैंने आपको पढ़ा बताया था कि C1 जनरली जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वन इज़ Q एंड अदर इज़ R एंड लास्ट वन इज़ S। यहाँ पे जो Q कंपोनेंट होता है वो आपके हेक्सामर फॉर्म में होते हैं, यानी कि 6, R और S 2 फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे जो R और S यूनिट होती हैं उसी के सिमिलर फंक्शन होता है इसका, CR और CS का जो सिमिलर फंक्शन गेन करेगा वो MASP1 और MASP2 है, जो जनरली प्रेजेंट रहेंगे इसके एज अ सब यूनिट्स। तो जैसे ये एक्टिवेट होता है इसके दोनों कंपोनेंट आके इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, और ये बिल्कुल आपके R और S यूनिट की तरह वर्क करके आपका C4 और C2 को क्लीवेज करेंगे। क्योंकि उसमें भी हम लोग देखते थे क्लासिकल पाथवे में कि जो S सब यूनिट होती है वो 4 और 2 के साथ अटैच्ड होती है, और ये इन दोनों को ब्रेक डाउन कर देती है। तो 4 का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो अपनी स्मॉलर और लार्ज यूनिट में टूटेगा, तो जो उसकी स्मॉलर यूनिट होती है वो आपकी अलग हो जाती है, और जो लार्जर यूनिट है वो फर्दर आपका एक एंजाइम फॉर्म लेने के लिए डिफरेंशिएट हो जाती है। तो सेम 2 वाली भी जो है आपकी लार्जर यूनिट इसमें A होती है और स्मॉलर यूनिट B होती है, तो B वाली रिमूव हो जाएगी और लार्जर वाली यूनिट जो है 4B वाले के साथ जुड़ के C3 कन्वर्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें जो C3 कन्वर्टेज की तरह काम करेगा वो आपका सेम वही फैक्टर काम करेगा जो क्लासिकल पाथवे में करेगा। क्लासिकल पाथवे में भी जो C4B और 2A होता है वो C3 कन्वर्टेज की तरह काम करता है, और लेक्टिन पाथवे में भी सेम यही करता है, लेकिन इसमें इसका जो एक्टिवेशन होता है वो आपका MASP1 और 2 के थ्रू होता है, जो कि इसकी एज अ सब यूनिट वर्क करते हैं। देन आपका जब आपका 3B और A में C3 कन्वर्टेज C3 को तोड़ देगा, दैट इज़ योर C3, और C3A और B जो है इसके दो स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट निकल जाएंगे, तो लार्जर यूनिट आपका जो C4B और 2A था उसके साथ जुड़ के C5 कन्वर्टेज की तरह काम करेगा, एंड देन जो इसमें C3B है वो C5 वाले के साथ आके अटैच्ड होगा, और देन C5 को वो फिर से दो फैक्टर्स में तोड़ देगा, दैट इज C5B एंड A। ए जो है ये रिमूव आउट हो जाएगा, और जो बी वाला पार्ट है वो फर्दर 6, 7, 8 के साथ जुड़ के आपका मेम्ब्रेन जो सब यूनिट होती है, मेम्ब्रेन टेक कॉम्प्लेक्स की जो सब यूनिट्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले तो C5B के साथ 6 और 7 जुड़ते हैं, देन उसके बाद 8 जुड़ता है। 6 और 7 के जुड़ने से ये आपका मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, लेकिन अभी भी वो आपका प्रोटोलाइटिक इफेक्ट नहीं दिखा सकता, उसको मेम्ब्रेन में पोर जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे इसके साथ 8 अटैच हो जाता है, इट वर्क लाइक अ परफोरिन, और देन फिर ये जो 6, 7, 8 के साथ जुड़ने के बाद जो ये कॉम्प्लेक्स रेडी होता है ये देन अपने आप को कंप्लीट करने के लिए C9 के साथ जाके अटैच हो जाएगा, एंड देन इट फॉर्म द आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से जो आपका थर्ड पाथवे है, दैट इज लेक्टिन पाथवे, वो वर्क करता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा सा डिफर हो जाती है। तो यहाँ पे जो MBL कॉम्प्लेक्स है, यानी कि MBAL प्लस मैनोज और आपका MASP1 एंड 2, ये आपका बिल्कुल वर्क करते हैं जस्ट लाइक अ C1 यूनिट ऑफ क्लासिकल पाथवे।
तो क्लासिकल पाथवे में जो आपका C1 काम करता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका ये कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा, और आगे की जो पूरी मैकेनिज्म है वो बिल्कुल क्लासिकल पाथवे की तरह ही आइडेंटिकल होगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।